राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PR जिद्दी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉरेन बफेट के बारे में, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। और आज के इस वीडियो में हम उनकी लाइफ लर्निंग्स जानेंगे और उनके जो रूल्स हैं जिन्होंने सक्सेस के लिए यूज़ किए, सक्सेस पाने के लिए, वो रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो को आप पूरी देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उनकी पहली लर्निंग है कि लव द गेम, जो भी आप कर रहे हो उसको प्यार करो। इफ यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग देन ऑटोमेटिकली द परफॉर्मेंस पीक लेवल विल इम्प्रूव। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप उसको और अच्छे से करने की कोशिश करोगे। और अगर वो चीज़ कर रहे हो तो उसमें परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करोगे। और परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप, आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा, आपका बिजनेस इम्प्रूव होगा। अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग को समझो, पैसा कितना कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना लगाना है, कितना पैसा आ रहा है, तो इसको भी समझो। अगर आप इसको समझोगे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कितना पैसा किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, अगर आप इसको समझोगे ना, तो आप आराम से बहुत तगड़े तरीके से अपने बिजनेस को आराम से संभाल सकते हो। कहाँ से आप पैसा और कमा सकते हो और कहाँ पे आपका पैसा ख़राब हो रहा है, तो अगर ये चीज़ें आप क्लियर कर लोगे तो आप और आगे जाओगे। और तीसरा है कंक्योर योर पियर, अपने डर को हासिल करो, मतलब उसके पे जीत हासिल करो। और आप उस पे जीत हासिल करोगे तो आप बहुत तगड़े तरीके से आप धीरे धीरे आपकी जो पियर हैं, आपकी मतलब वीकनेसेस हैं, उनको अगर आप कंट्रोल करोगे और उनको आगे बढ़ोगे, उनको कंट्रोल करके और उन पर कंक्योर कर अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे। और अगर आप अपने फियर से डरते रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपके फियर को आपको कंट्रोल करना है और अपने फियर को जीतना है आपने। अगर आप एक बार जीत गए तो आपके फियर को आप बहुत आगे पहुंचाओगे। और फोर्थ है कि स्टेक टू योर आइडिया, मतलब जो भी आपका आइडिया है तो उस पर आप बने रहो, क्योंकि बहुत से आइडिया रहते हैं कि मतलब एक बार आप प्रभावित हो गए, मतलब किसी आपका आइडिया बहुत तगड़ा है और आपको किसी ने बता दिया कि इस आइडिया में ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आपने अपना मन बदल लिया। अगर आपने मन बदल लिया तो आपका वो आइडिया तो फ्लॉप हो जाएगा, आपका आइडिया कंप्लीट नहीं, मतलब आपका आइडिया सही है पर आप दूसरों की बातों में लगकर उस आइडिया को ख़राब कर दोगे, तो ये आपको नहीं करना है। समझ रहे हो ना ये बात, आपको आपके आइडिया पे बने रहना है। अगर आप आपके आइडिया बने रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखोगे। देखो तो फिफ्थ इम्पोर्टेंट है, डू थिंग इन योर वे, अपने तरीके से चीज़ों करना स्टार्ट करो। जो भी आप कर रहे हो, अपना तरीका, कोई एक अपना तरीका फाइंड करो और उसको उसी के तरीके से आप उस चीज़ों को स्टार्ट करना चालू करो। क्योंकि अगर आप उन तरीकों से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो अपनी तरीके से आप अपनी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। और अपने तरीके से आप प्रोग्रेस कर दे रहे तो आप बहुत आगे जाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मतलब चीज़ें अपने हिसाब से करनी है आपको, और किसी के तरीके से दबाव में आगे नहीं करनी कि भाई ये कर, आपको उनकी बातों में नहीं लगना है। तो आपको ये चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो अपने तरीके से करो। और दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैंने 5 लर्निंग दी थी वॉरेन बफेट की, और एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 आने वाला है, उसमें और 5 लर्निंग है, बहुत शानदार है। आप अगली वीडियो के लिए बने रहें। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।